एक अच्छा आगाज जरूर हासिल हुआ था। उससे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बलूचिस्तान को। अहमद शहजाद और अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग का अच्छा आगाज किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों एक लंबी इनिंग खेलने के मूड में है। अहमद शहजाद ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, पुल शॉट्स भी कामयाबी से खेली और ये शॉट ऑफ द मैच रहेगा। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से लिफ्ट किया था ये बॉल, और ऐसे इस मौके पे ऐसा लग रहा था जैसे सेंट्रल पंजाब ये मैच आसानी से चेज कर लेगा, लेकिन अच्छा कमबैक हुआ। अहमद बट ने विकेट हासिल की, उसके बाद यासिर शाह ये खराब शॉट खेल के अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट गवाई और ये वो मौका था जहां बलूचिस्तान इस मैच में वापस आ गया। उसके बाद एक बहुत ही उम्दा इनिंग रही तैयब ताहिर की जानिब से, शायद थोड़ी खराब बॉलिंग भी उनको की गई आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उनके जो फेवरेट एरिया पर बॉलिंग करते रहे काशिफ भट्टी को भी एक्सपेंसिव रहे। और ये शानदार कैच हासिल किया शान मसूद ने, विकेट हासिल की तैयब ताहिर की। इनिंग बहुत कमाल की रही, कट शॉट इनका फेवरेट है, शायद 5 से 6 बाउंड्रीज इन्होंने इस एरिया में हासिल की हैं। बड़ी हिट भी जब दिल करे मार सकते हैं और यही खसूसियत है ऐसे प्लेयर की। यासिर शाह उनको मुसलसल यहां बॉलिंग करते रहे और वो रन हासिल करते रहे। कुछ लैप्सेस भी जरूर देखने को मिले हमें बलूचिस्तान की तरफ से, लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट जो थे वो तैयब ताहिर थे। रन करते रहे जब तक वो क्रीज पर मौजूद थे, तो उम्मीद जरूर थी सेंट्रल पंजाब के लिए। यहाँ पे सेंट्रल पंजाब ने जब ये विकेट गंवाई तो यहाँ पे मैच शायद बलूचिस्तान के हाथों में वापस चला गया। और उसके बाद इमरान खान नियाज़ी ने अपने बल्ले से रन उगलने शुरू किए, बहुत अच्छी शॉट्स मारी, थोड़ा सा टाइम जरूर लिया लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, बाउंड्रीज हासिल की, थोड़ी देर के लिए बलूचिस्तान के बॉलर्स को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। सहीम अशरफ ने भी साथ जरूर दिया, लेकिन ये वो लम्हा था जहाँ पे एक बहुत क्रूशल विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अहमद बट, और कुछ बड़ी बाउंड्रीज की बदौलत सेंट्रल पंजाब थोड़ा सा करीब जरूर गया अपने हदफ के, लेकिन जिता नहीं पाए।